हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो कि सर्दियों में डोरमेंट में चले जाते हैं। डोरमेंट में मींस रेस्ट पर होते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, ग्रोथ रुक जाती है। सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ रुक भी हो जाती है, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले आपको क्या काम करना है कि आपके जितने भी प्लांट हैं आप उनमें गुड़ाई करके और उसमें कंपोस्ट दे दीजिए। कंपोस्ट आपको ऐसा देना है जो स्लो रिलीज कंपोस्ट हो, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र हो, और ऐसी जगह प्लेस कर देना है जहां पर उसे ठंडी हवाओं से बचाया जा सके। यहां पर मेरे पास देखिए कई एग्लोनिमा के प्लांट है। एग्लोनिमा की जो पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। देखिए इस तरीके से जो है इसकी पत्तियाँ गलने लगती हैं। सर्दियों में पत्तियां सूखती नहीं है लेकिन गलना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों गलती हैं? देखिए यहाँ पर ये एग्लोनिमा है, कितना खूबसूरत एग्लोनिमा है। इसकी पत्तियां बेहद खूबसूरत होती हैं। ये रेड कलर का एग्लोनिमा है, पिंक कलर का, रेड भी नहीं है, पिंक है, जिसको आप देख ही सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब हमारे ऐसे प्लांट सर्दियों में ख़राब होते हैं तो हमें बेहद दुख होता है। यहाँ पर आप जो लाइट कलर की इसकी पत्ती देख रहे हो, ये अभी न्यू पत्ती निकली है। तो देखिए मैंने इसको ऐसी जगह प्लेस कर दिया है। यहाँ पर ये स्नो एग्लोनिमा है। स्नो एग्लोनिमा जो होता है वो ग्रीन और थोड़ा सा लाइट कलर होता है, उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से स्पॉट होते हैं जिससे ये बेहद खूबसूरत लगता है। ये प्लांट मल्टीप्लाई भी हो जाता है, आप डेरो प्लांट इसके बना सकते हो। ये है चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, जिसको भी सर्दियों से आपको बचाना है। इसकी पत्तियां भी सर्दियों में ख़राब हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो दूसरा वाला एग्लोनिमा है उसके अकॉर्डिंग इसकी पत्तियां थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। यहाँ पर देखिए ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, इसका ये मदर प्लांट है और इसमें बहुत सारे जो हैं बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। तो इस प्लांट को भी आप सर्दियों से बचाने के लिए जो भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, मैंने यहाँ पर काउ डंग कंपोस्ट का यूज़ किया है जो कि धीरे धीरे इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा। ये डंकेन का प्लांट है, इसकी पत्तियाँ भी बहुत नाजुक होती है। जितनी ज़्यादा इसकी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, खूबसूरत होती हैं, उतना ही ये प्लांट बहुत जल्दी से ख़राब होता है। देखिए अभी मैंने बाहर रखा हुआ है तो इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से ख़राब होने लगी हैं और मैंने अभी इसमें गुड़ाई भी नहीं की है, तो मैं धीरे धीरे करके अपने सभी प्लांट्स में दे दूँगी। इसी प्लांट से मैंने ये प्लांट बनाया है। अभी इस प्लांट की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और एक ही प्लांट में दो प्लांट मेरे ग्रो हो गए हैं। ये बहुत छोटे से पॉट में ग्रो हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कई प्लांट तैयार किए हुए हैं और अगर हम इनको प्लांट को सबको इकट्ठा रख देते हैं तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक पॉइजनियस प्लांट भी है। और इसके बाद मैं बात करूँगी, ये है फीडर लीफ प्लांट। ये बिग लीव्स वाला प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा घर के लिए शुभ भी होता है। इसकी पत्तियाँ भी थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये भी थोड़ा सा ठंड को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आपको जब ज़्यादा ठंड होगी तो आपको इसको बचाना होगा। धीरे धीरे ये अपनी पत्तियों को गिरा देता है और सारा जो प्लांट होता है वो लीफलेस हो जाता है। जिस तरह से एडेनियम की रूट्स होती हैं देखने में, इसी तरीके से ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी स्टेम बहुत हार्ड होती है और इसकी थोड़ी सी जगह से ही ऊपर की रूट्स निकालता है। ये है हमारे ड्रेसिना। ड्रेसिना को भी आपको जो है सर्दियों से बचाना होगा, क्योंकि अगर आप अपने प्लांट को सर्दी से अभी नहीं बचाओगे तो आपको गर्मियों में फिर इनकी खूबसूरती देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखिए। तो आप इसको सर्दियों से बचाने के लिए या तो आप नेट का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप इनको किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर ठंडी हवाओं का प्रभाव कम हो। ये है सफलेरा का प्लांट। सफलेरा की भी जो पत्तियां होती है थोड़ी सी हार्ड होती हैं, ये भी हल्की सी ठंड बर्दाश्त कर लेती है। अभी जैसे ही टेम्परेचर हमारा कम होगा तो भी इसकी पत्तियां जो हैं गिरने लगेंगी और ये प्लांट अपनी ग्रोथ पूरी तरीके से रोक देगा।
प्लांट पर जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसकी ग्रोथ रुक क्यों जाती है? उसमें डस्ट हो जाती है, डस्ट की वजह से जो है उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो पत्तियों को फूड बनाने नहीं दे पाता है। तो ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है, फुली इंडोर नहीं है, आप इसको आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन सर्दियों से इसको बचाना पड़ेगा। ये भी डोरमेंट में चला जाता है और इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है, इसकी भी पत्तियाँ इस तरीके से थोड़ा सा डल हो जाती हैं और धीरे धीरे नीचे की सारी पत्तियाँ ये गिरा देता है। ये एक बहुत ही हार्डी, कह सकते हो हार्डी प्लांट है। ये क्रोटोन है, क्रोटोन को तो आप जानते ही हो, इसकी पत्तियाँ भी सर्दियों में बिल्कुल गिर जाती हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर नहीं करते हो। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपको पानी कम से कम देना है, जितना कम आप पानी दोगे उतनी ही रूट्स जो हैं उसकी गलना कम होगी और आपके प्लांट की जो है ग्रोथ वो धीरे धीरे होती रहेगी। अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो आपका जो प्लांट है नीचे ही नीचे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद ये जो क्रोटोन है, देखिए कितना खूबसूरत क्रोटोन है, ये इसमें येलो डॉट्स होते हैं और ग्रीन कलर की लीव्स होती है। ये है तुलसी का प्लांट। तुलसी के प्लांट को भी हमें सर्दियों से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी कपड़े से कवर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको किसी ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ पर ठंडी हवा कम आती हो। ये है हिबिस्कस का, ये भी अभी देख ही रहे हो आप, पूरी इसने जो है पत्तियाँ गिरा दी हैं और इसकी पत्तियाँ जो हैं येलो हो गई है। अभी भी मेरा प्लांट जो है फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही है अभी भी। इस साल इस प्लांट ने बहुत फ्लावरिंग की है, इससे पहले इसने नहीं की थी, लेकिन इस बार इसने बहुत सारी फ्लावरिंग की है। अब ये प्लांट पूरी की पूरे से पूरा जो है डोरमेंट में चला जाएगा। ये मोगरा का प्लांट है, ये पूरी तरह अभी देखिए पत्तियाँ गिरा चुका है, क्योंकि ये पूरा बाहर रखा हुआ है, मैं इसको अंदर नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कुछ प्लांट्स मेरे बहुत बड़े बड़े पॉट में लगे हैं। ये करी पत्ता है, करी पत्ते ने भी जो है अपनी पत्तियों को सुखाना शुरू कर दिया है। देखिए इस तरीके से ये प्लांट जो होते हैं सर्दियों में रेस्ट करते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी प्लांट की इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप रिपोर्टिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी रूट्स जो हैं ग्रो नहीं हो पाएंगी और धीरे धीरे आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। सर्दियों में बिल्कुल भी ये गलती ना करें। देखिए कितना बड़ा पॉट है, तो इसीलिए मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस नहीं कर सकती। ये है कॉपर लीफ प्लांट, ये मनी प्लांट की ही तरह लगता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। इसकी भी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, कर्ल होती रहती हैं इसकी पत्तियाँ, और साइड में आप देख ही सकते हो वाइट कलर के छोटे छोटे सा इसका बॉर्डर होता है। ये हिबिस्कस से कटिंग से ग्रो किया हुआ मेरे एक प्लांट है, जिसको मैं अभी बॉन्जाई बनाने वाली हूँ। मैंने इसकी पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, अभी आप देख लो इसकी न्यू पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरी श्यामा तुलसी है, देखिए अभी भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। यहाँ पर टेम्परेचर अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। अब ये देखिए तूजा का प्लांट है, ये भी पूरा अभी ग्रीन है, और जैसे ही अभी सर्दियाँ आएंगी तो भी इसकी पत्तियाँ जो है सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है जड़े प्लांट, जड़े प्लांट में ऑलरेडी बहुत सब पानी होता है, तो इसको आप सर्दियों से बचा कर रखें और इसको प्रॉपर धूप दें। धूप देना इस प्लांट को बहुत ज़रूरी होता है। ये ड्रेवल स्पेकबून है, डबल कलर का, इसमें लाइट कलर की ये पत्तियाँ होती है। आप ये भी अपनी पूरी पत्तियाँ गिरा देगा, ये भी डोरमेंट में चला जाएगा, तो आप इसको भी ऐसी ही जगह प्लेस कर दीजिए। सर्दियों में हमें अपने सभी गार्डन के प्लांट को देखिए एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो हम अपने प्लांट को बाहर लगा देते हैं और सर्दियाँ होती हैं तो हमें बचाना पड़ता है। ये पान की बेल है, इसको भी आपको सर्दियों से बचाना है। ये प्लांट बेहद खूबसूरत लगता है और बहुत हेल्दी प्लांट भी होता है, तो आप इसको सर्दियों से बचा कर रखिएगा। ये है हमारा कैलेंथिया का प्लांट, कैलेंथिया की पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, तो इस प्लांट को भी आपको सर्दियों से बचा कर रखना है। ये है एरोहेड,
यानी सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसको भी आपको सर्दी से बचा कर रखना है। अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो इसकी पत्तियां थोड़ी डार्क होती हैं, और छाया में रखते हैं तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी लाइट होती हैं। ये है हमारा सेंचीजिया का प्लांट, इसको जेब्रा प्लांट भी बोलते हैं। इसकी पत्तियां जो धारीदार होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती है। इस पर फंगस बहुत जल्दी लगता है और बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। ये है हमारा कोलियस का, कोलियस को भी आपको सर्दी से बचा कर रखना है। इसकी भी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं और ये बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। मनी प्लांट को तो आप जानते ही हैं, सर्दियों में प्रॉपर इसकी ग्रोथ रुक जाती है और गर्मियों में ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से सर्वाइव करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।